दो जगह हथियार दिए हैं, एक एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जैसे होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो वो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। ठीक है, इसमें और 14 अप्रैल जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को बोलेगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, आई थाने का एसएचओ है, वो आई थाने का कौन है, थाने का क्या है, रिपीट कर दीजिए। हां जी, कौन है, प्रदीप थाने में है, राई थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो किस कौन कौन थे सर, उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है।